तीन व्रत सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। पहला व्रत जिसमें आप कुछ मत खाओ, जैसे आप लोग करते हो, फलार खाते हो, फल खाते हो, कुछ नहीं खाते, ये भी व्रत है। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, पशुपति व्रत, चतुर्थी का व्रत, पंचमी का व्रत, छठ का व्रत, सप्तमी का व्रत, तीज का व्रत, अष्टमी का व्रत, नौमी का व्रत, एकादशी का व्रत, द्वादशी का व्रत, प्रदोष का व्रत, त्रयोदशी का व्रत, शिवरात्रि का व्रत, ये सारे व्रत है जिसमें तुम खाते नहीं हो, भोजन नहीं करते, या फलार करते हो, या एक समय खाते हो, ये व्रत है। तीन व्रत मूल है, उसमें एक व्रत है जिसमें तुम भोजन नहीं करते। दूसरा व्रत, जिस व्रत में आप किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, भूखे को भोजन करा रहे हो, किसी की जिंदगी में कष्ट चल रहा है और उसके कष्ट को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हो, यह भी दूसरे नंबर का व्रत है, यह भी व्रत है। और तीसरे नंबर का व्रत है किसी के चेहरे पर आपके कारण स्माइल आ जाए, प्रसन्नता आ जाए, आपके कारण किसी के चेहरे पर प्रसन्नता दिखे तो समझ लो ये भी व्रत है। जरूरी नहीं कि भूखे रहोगे तो व्रत कहलाएगा, जरूरी नहीं कि कुछ नहीं खाओगे तो व्रत कहलाएगा। व्रत की मूलता यह कहती है कि आप किसी के चेहरे पर प्रसन्नता ला दिए, वो भी व्रत है। आप किसी की दवाई का खर्चा उठा लिए, वो भी व्रत है। आप किसी पढ़ने वाले बच्चे के पास